बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश कैलीग्राफी के बारे में बताऊंगा। पहले एक दिन मैंने आपको हिंदी में बताया, आज मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट इंग्लिश के बताऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हिंदी में कुछ शब्द रहे होंगे जो मैंने नहीं लिखे हैं, तो अगली बार उनको भी हम लिखने की कोशिश करेंगे। और आज हम थोड़ा इंग्लिश के बारे में जो स्क्रिप्ट है उसको बनाएंगे। तो इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो कई प्रकार की है, हिंदी में भी कई प्रकार की है, जैसे कार्टून या वॉल्यूम राइटिंग होती है, ओल्ड इंग्लिश स्क्रिप्ट और बोल्ड, ये कई प्रकार की हैं राइटिंग्स जो हमारे सिलेबस में हैं। हम राइटिंग लिखना या कैलीग्राफी करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमारा लेखन भी सुधरेगा, हैंडराइटिंग सुधरेगा और अक्षरों की बनावट का भी पता चलेगा। तो अब आप देखेंगे कि मैं इंग्लिश में उसी कलम से जो मैंने कलम आपको बताई थी, लेकिन कलम एक सस्ता लिखने की एक सामग्री है, इससे सस्ता नहीं हो सकता। इसके तो पेन भी मिलते हैं लेकिन वो कॉस्टली होते हैं। तो देखिए ये कलम वही कलम है। अब इसको रखने का और उठाने का एक तरीका है। अब देखिए, सूख जाती है कलम, ब्लैक इंक है, ब्लैक इंक से भी लिख सकते हैं, रंग से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये ए, ये बी, देखते जाइए, हाथ भी आपका जहां तक घूमता है वहां घुमाइए, फिर इसको यहां से ये देखिए, फिर इसको यहां से लाइए, ये देखिए बी, सी के लिए यहां से ये देख लीजिए और यहां इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहां से ये, इस राइटिंग में ये कार्टून या वैल्यू स्क्रिप्ट है। अब देखिए डी, वही तरीका, हाथ घुमाते रहिए, इसमें आपके हाथ घुमाने की टेक्निक होनी चाहिए। ये देखिए, ये डी, डी के बाद ई, स्लैंटिंग में लिखे जाते हैं ये, और जितने ये आप स्लैंटिंग में लिखेंगे उतने ही ये सुंदर लगेंगे। ये देखिए, ये ई, एफ भी लिखना है तो एफ में ये डंडा नहीं लगेगा, बाकी ई से एफ, एफ बन जाएगा। अब जी लिखता हूं, ये देखिए सी की तरह ही घुमाइए इसको, यहां छोड़ दीजिए, इसको ऊपर से ये,
फिर यहां से ये कलम ऐसे घुमानी है आपने, यहां तक छोड़नी है, फिर इसको यहां से ये जी बन गया, ये एच, ये देखिए एच, आई तो आपको पता ही है, एक डंडा लगाएंगे आई बन जाएगा, और ये देखिए अब जे, यहां छोड़ देंगे, फिर यहां से ये देखिए इसको घुमाओ, हाथ को, हाथ को घुमाने की टेक्निक, कलम को रखने की टेक्निक, जे, अब देखिए के, ये देखिए यहां से ऐसे और ऐसे, और यहां से देखिए यहां रखेंगे और ये के, और देखिए एल, एल एम, देखिए अब जैसे मैंने ए के पास किया था ए लिखने के लिए, वैसे ही अब देखेंगे एम, ये देखिए ये, फिर यहां से ये, यहां ये बाहर नहीं जानी चाहिए कलम, इसके बराबर ही मोटाई पे यह मिलनी चाहिए। अब देखिए ये यहां से एम, ऐसे ही एन, एन वैसे ही जैसे मैंने एन में किया, एम में किया, ये देखिए। अब कलम यहां से चलानी है ताकि इसी मोटाई तक रहे, ये देखिए आप बनावट को अपने ध्यान में रखते हुए कि एन की बनावट कैसी है, एन के बाद ये देखिए ओ कैसे बनेगा। यहां से कलम चलाई मैंने, ये घुमा दी, और अब कलम यहां से चलानी है, ये देखिए, और इसको गोल कर देना है, ये देखिए ओ, ओ के बाद पी, पी भी बी की तरह बनेगा, जैसे बी में मैंने ऊपर वाली लाइन लगाई थी वैसे, देखिए ये देखिए हाथ घुमाते चले जाइए, घुमा दिया, घुमा दी, यहां छोड़ दो अगर नहीं घूम रहा है ज्यादा, फिर यहां से लाओ इसको और यहां से इसके साथ इसको जोड़ दो, ये देखिए पी, क्यू, ओ का ही क्यू बन जाएगा, यहां से ये देखिए यहां से उठाएंगे ये और ये क्यू भी बन गया, ओ से मैंने क्यू बना दिया। अब आर, आर का भी पी से बन जाएगा, ये देखिए ये बनाया मैंने, अब यहां से इसको ये घुमा दिए, ये आर बन गया। अब देखिए एस जो है वो थोड़ा टफ होता है बनाने के लिए, सभी बोलते हैं कि एस जो है वो टफ होता है, लेकिन टफ कुछ ही नहीं है, सिर्फ आपके बनाने का तरीका है और आपके समझने का तरीका है। देखिए ये देखो ये, और यहां से ये ऊपर से ये घुमा दो इसको, एस बन गया। एस के बाद टी, टी जो है वो एफ की तरह ही, देख लीजिए इसको जैसे ई है या एफ है, उसको टी भी बन जाएगा। अब कौन सा अक्षर बताया जाए आपको, अब आर एस टी यू, चलो यू लिख देते हैं, ये देखिए यू भी आसान ही है, ये इसको घुमा दो, फिर दूसरी बार कलम को ऊपर रखते हुए नीचे इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, ये यू बन गया। अब वी के लिए भी आप देखेंगे, वी, वी के लिए ये देखिए ये, लेकिन जो यहां वी मिलाना है तो उसी की मोटाई के हिसाब से आपने ऊपर से चलना है और वो वहीं ही मिलाना है इसको, ये देखिए वी। अब इसके बाद
W देखेंगे आप, V बन गया, V के बाद W बन जाएगा। चलो बना देते हैं आपके अभ्यास के लिए। ये देखिए, ये ले गया मैं, इसके बाद ये देखिए यहां से यही मिला दिया मैंने, फिर देखिए यहां से ये और ये देखिए ये W, ये X, ये X आसान है, ये देखिए ये X, Y, ये देखिए ये Y, Z, ये देखिए Z, यहां से आप उठाएंगे कलम और यहां इसका एंड करेंगे, ये Z बन गया।